धन्यवाद आपका। परम आदरणीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, और यहाँ पर बैठी मेरी सारी भौजाई, जिसको हमारे यूपी में कहा जाता है भाभियाँ, बहनें, माताएं, मौसियाँ, चाची, जो भी कहना चाहिए। एक बात जरूर साझा करूंगी, राजनीति में पत्रकार पत्रवार्ता करने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, चुनाव प्रचार में भी जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे आयोजन में एक लड़की, एक महिला के होने के तौर पर बहुत कम बुलाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी उमंग थी, सुबह की फ्लाइट मिस हुई, लेकिन हमने कहा नहीं जाना है, बहुत कम ऐसी खुशी के माहौल में बुलाया जाता है, तो हम लोग जरूर जाएंगे। छत्तीसगढ़ इस देश में सुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के उभरा है, और सिर्फ महिलाओं तक ही वो सुशासन सीमित नहीं है, वो सुशासन पुरुषों का, वो सुशासन बच्चों का, वो सुशासन गरीब को अनाज देने का, तमाम जीवन के पहलुओं में वो सुशासन है। और शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महिला अस्मिता को, और आपको देखकर, आपके ओजस्वी चेहरों को देख के, आपकी उमंग को देख के, मुझे जरूर लगता है कि यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तगड़ी है, और उसी की वजह से सुशासन होता है। मेरा अपना मानना है कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस प्रदेश में, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, वहां अपने आप सुशासन होता है, ये पते की बात है। हमारा तो वो देश है जहां पर माँ के पैर में जन्नत, और यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की उपाधि देवी को दी जाती है, बहनें हो या बेटियां हो, उनके पैर पूजे जाते हैं। तो ऐसे देश में जब महिलाओं को लेकर त्योहार मनाया जाता है, जब उनके उनको सेलिब्रेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश का डीएनए दिखाता है। मैं ये बात पते से बोलती हूँ, वो प्रदेश की संस्कृति दिखाता है, वो यहाँ के शासन की संस्कृति, यहाँ के मुख्यमंत्री की, उनके सहयोगियों की संस्कृति, उनके भाव दिखाता है। कुछ समय पहले एक कविता लिखी थी, और जरूर आप लोगों के साथ वो साझा करना चाहती हूँ, ये महिलाओं पर है। मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं, मैंने तुझे बनाया है, तू क्या मुझे मिटाएगा, शोषण कर अब ना तू मेरा, जीवन भर पछताएगा। मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं, मैं जननी हूं, संजीवनी हूं, मेरे अस्तित्व को कर ले स्वीकार, नहीं तो होगा भीषण प्रहार, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। मैं निर्मल हूं, निर्दयी नहीं, मैं कोमल हूं, कमजोर नहीं, मैं शांत हूं पर मूक नहीं, रोकेगा कौन मुझे कब तक, लेकर रहूंगी मैं अपना हक, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। मैं आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं, दूर हो चाहे पास हो, मुश्किल हो या आसान हो, अब पानी है मंजिल मुझे, गंतव्य से मैं ना घबराती हूं, अंतिम वचन सुनाती हूं, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। और मैं अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की एक ये प्रगति रही है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, जब देश के विकसित देशों में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं थी, अमेरिका में आज तक एक महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई, मार्गरेट थैचर बहुत बाद में हुई, उस देश में इंदिरा गांधी जी, जिनको दुर्गा की पद्धति दी गई, वैसी प्रधानमंत्री हुई। हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक अभिभावक के तौर पर, एक कुशल नेतृत्व के तौर पर, उन्होंने दो दो बार हमारी सरकारों का चुनने में मदद करी। तो मेरा अपना मानना है कांग्रेस की अपनी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में वो झलकती है, और आप सबके सशक्त होने में यहाँ की सरकार का अभिभावक की तरह एक रोल है, और उसको मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। आप लोगों को यह त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। एक औरत होने से बड़ा, बेहतर और ऊंचा शायद ही कोई दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि देयर इज नो ग्रेटर ऑनर देन बीइंग अ वुमन एंड ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। और मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के कहती हूं, नो मैन कैन एवर शेयर दैट ऑनर। जीवन को जीवित देना, एक बच्चे को पैदा करना, उसकी परवरिश करना, ये एक औरत की बात है, और आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत नमन, त्योहार की फिर से बधाइयां, और यहां पर बुलाने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आप सबका आशीर्वाद। धन्यवाद।